नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। हमें पता लगाना है कि क्या यह रैखिक युग्म, दो रेखाओं का युग्म, संगत है या नहीं है, और यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना होता है वो होता है a1 बटा a2 निकालो, b1 बटा b2 निकालो, c1 बटा c2 निकालो। a1 बटा a2, a1 x के साथ है 2 और यहाँ x के साथ है 4। b1 बटा b2, यहाँ y के साथ है -2, यहाँ y के साथ है -4। c1 बटा c2, यहाँ है c -5 बिना x वाली और यहाँ है -2। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो कटता है हम उसको काट देंगे। ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 बटा 2। ये माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन गया 1 बटा 2। c1 बटा c2 में माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन 5 और 2 आपस में किसी भी पहाड़े में नहीं कटते, तो ये आ जाएगा 5 बटा 2। अब यदि आप ध्यान से देखें तो a1 बटा a2 आया है 1 बटा 2, b1 बटा b2 आया है 1 बटा 2, c1 बटा c2 आया है 5 बटा 2। तो इसका मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। वैसे तो अब तक कितने प्रश्नों के बाद आपको टेबल याद हो जाना चाहिए कंडीशंस वाला, लेकिन फिर भी याद नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें हमारी जो कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, ये वाली कंडीशन है, तीसरे वाली कंडीशन है, जो कि है समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं, और यदि कोई हल नहीं तो यह असंगत रैखिक युग्म होगा, है ना बच्चों। तो मैं यहाँ इसके साथ ब्रैकेट में लिखता हूँ, कोई हल नहीं, अतः यह रैखिक युग्म, अतः यह रैखिक युग्म असंगत है। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम बच्चों, प्रश्न ये है कि रैखिक युग्म के समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, लेकिन ये तो संगत है ही नहीं, तो यह ग्राफीय विधि से हल होगा नहीं। यह प्रश्न यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर यह संगत होता तो हम इन समीकरणों का टेबल बनाते, टेबल में एक्स वाई की वैल्यूज डालकर फिर हम उसका ग्राफ भी बनाते, जैसा कि हमने पिछले कुछ भागों में किया है। लेकिन क्योंकि यह असंगत है, इसलिए इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं किया जा सकता, तो यह प्रश्न यही खत्म हो जाता है। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।